हेलो दोस्तों, श्री राधे। कैसे हो आप सब लोग? हम लोग जा रहे हैं अजमेर घूमने के लिए। ये अजमेर के रास्ते देखिए कुछ इस तरीके के थे। अजमेर आए और ऊंट नहीं देखे तो फिर क्या देखा। ये हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रह्म घाट पर। ब्रह्म घाट के अंदर घुसते ही सबसे पहले ये मंदिर पड़ा जहाँ हम लोगों ने पूजा की। ये छोटू मोटू लड्डू गोपाली, जय श्री राधे श्याम। आरना और आरना के भाइयों, ये व्यू का एंजॉय करने के लिए देखिए घाट को देखने के लिए निकल पड़े। इन भैया ने हमें फिर घाट के बारे में कुछ चीजें समझाई और ब्रह्मा जी के बारे में बताया कि क्या कैसे था। अब हम लोग चल दिए यहाँ पर हाथ पैर धुलने के लिए और व्यू का एंजॉय भी करते जा रहे साथ साथ। हम पापा, आर्यू के पापा, सभी लोग थे। ये हमारी पूजा संपन्न हुई और हमने ब्रह्म जी के ब्रह्म घाट पर पुष्प अर्पण किए। मम्मा पापा पूजा करते हुए, आर्यू आरना बेबी अपनी मासी के साथ एंजॉय करते हुए, आरना बेबी फिर से अपने पापा के साथ मस्त व्यू का एंजॉय लेती हुई फिर से ये मस्ती। आरना बेटी मासी के साथ खेल रही थी। ये इन पापा बेटा ने कुछ रील शूट की। आरना बेबी फिर से अपने बैठे बैठे देख रही थी, लिप्स खा रही थी और देख रही थी। नाना बच्चा पूजा करके ब्रह्म घाट से हाथ मुंह धुल के चल दिए आगे की ओर। ये रास्ते में हमें जाते हुए कुछ इस तरीके के दर्शन हुए। हम लोग पहुंच चुके ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो कि पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। घुसने पे कुछ ऐसा व्यू था, अंदर जाके दुर्गे माँ का मंदिर था, ब्रह्मा जी के मंदिर पर शूट करना मना था। हम लोग बाहर आके निकले तो एक रेस्टोरेंट में थोड़ा रिलैक्स किए बैठे। यहाँ पे सुना है मालपुए बहुत फेमस है तो हमने बोलिए, लेकिन वो टेस्टी नहीं थे बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगे। आना बेबी थोड़ा रिलैक्स हुई। मंदिर से बाहर निकलते ही कुछ व्यू इस तरीके के थे। ये पुराने पहले समय के घर बने हुए थे जो कि देखिए पहले ऐसे होते थे। सभी लोग कितने मस्ती से देख रहे हैं। मंदिर से बाहर निकलते थोड़ी दूरी पे सावित्री माता का मंदिर है, हम लोग वहां के लिए निकल पड़े। आर्यू भी फिर से मस्ती करते हुए। बच्चे और मम्मा पापा साथ होने की वजह से हम लोग पैदल तो जा नहीं सकते थे तो रोपवे पे गए हम लोग। आर्यू बेबी रोपवे पे कुछ इस तरीके से अंदर जाते हैं। ये हमारी एंट्री थी। फिर हम लोग बैठे इस पे सभी लोग। आर्यू की अम्मा जी थोड़ा डर रही थी थोड़ा सा। हम लोगों ने कहा कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी डर रही थी, हंसते हंसते डर रही थी। आर्यू बेबी को बहुत मजा आया ऊपर देखते हुए। नाना भी हंसते हंसते डर रहे थे। फिर हम लोग जय माता दी और इधर उधर व्यू लेते हुए आगे की ओर चल रहे थे। अम्मा जी फिर से डरती हुई नजर आई। आर्यू बेबी पूछ रहे थे, अम्मा क्या आप डर रहे हो? अम्मा नहीं बेटा, और इनको तो पता ही नहीं था कि ये आई कहाँ है, ये तो मस्त मस्ती कर रही थी। जय माता दी, ऐसे बोलते बोलते हम लोग ऊपर जा रहे थे और मजे से देख रहे थे इधर उधर। अम्मा जी डर रही थी, आर्यू के पापा जी सूट कर रहे थे, नाना हंस रहे थे। बातें करते 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 हम लोग मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंचते ही आर्यू आरना की मस्ती शुरू, खेलने लगे। देखिए आप दोनों, आर्यू के पापा सूट कर रहे थे। मंदिर से नीचे देखने पे कुछ ऐसा व्यू था जिसे देख के हम भी डर गए। और देखिए आप यहाँ से पूरा पुष्कर दिखता है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। ब्रह्म घाट दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। आर्यू बेबी फिर से मस्ती करते हुए, नाना इनको पकड़े हुए। नाना ने इनका एक सेकेंड के लिए भी हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि हम लोग बहुत ऊपर थे। मंदिर से नीचे देखने पर कुछ इस तरीके का व्यू था। मंदिर के बाहर इतने सारे लंगूर बंदर थे, पता नहीं इतने कहाँ से आते हो। हम लोग वापस नीचे के लिए चल दिए, अपने रोपवे पे बैठे और सभी लोग फिर से डरते डराते नीचे देखते देखते और व्यू का एंजॉय करते कराते नीचे आ गए हम लोग। फाइनली हम लोग निकल पड़े फिर अजमेर के लिए। अजमेर के रास्ते कुछ इस तरीके के थे। देखिए कितने पहाड़ों भरे रास्ते थे, लेकिन अच्छे थे जो भी था। हम लोग पहुंचे, अजमेर पहुंच गए। हम लोगों ने देखा वहाँ अन्ना सागर झील, बताते हैं पहले ये पूरी फुल थी। अब थोड़ा गर्मी की वजह से कह लो या कुछ भी कह लो पानी कम हो गया है, लेकिन व्यू अच्छा था।
बहुत बेस्ट था। आप लोग अजमेर आइए तो एक बार अन्ना सागर झील जरूर आइएगा। मम्मा पापा फिर से व्यू का एंजॉय करते हुए, आरना बेबी आरना के पापा देखते हुए और मस्ती करते हुए हम लोग अपने होटल आ गए। होटल में देखिए आप व्यू किस तरीके का था। इनके अम्मा नाना पापा सभी लोग बाहर बालकनी से देख रहे थे। ये फ्रंट पे मंदिर था, उसके बाद अन्ना सागर झील का भी व्यू था। तो सभी लोगों ने बहुत मस्ती से इंजॉय किया और बेटी आर्यु की मासी जाने की वजह से अम्मा जी बहुत दुखी थी। तो घर वापस आते समय इन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा होटल में चाय वगैरह पी हम लोगों ने, क्योंकि रात का समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, करीब 2 बजे के समथिंग का था। तो हम लोग वापस आने के लिए फिर से निकल पड़े और जय श्री राधे राधे श्री राम श्री राधे जय माता दी करते हुए और मस्ती में गाने गाते हुए निकल पड़े वापस से जयपुर टू आगरा के लिए। अभी हम लोग अपने मस्ती से मस्त व्यू का एंजॉय करते हुए, अम्मा नाना पीछे सो गए थे तो हम लोग बस